प्रतापगढ़ राज्य में चंदन नगर नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही हरा भरा और सुंदर था। गांव के सभी लोग हर समय एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताते। चंदन गांव की एक और खासियत थी, गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसका पानी अमृत की तरह मीठा और स्वास्थ्य वर्धक था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां किसी के झोली में ज्यादा दिन तक नहीं रहती। एक दिन प्रतापगढ़ राज्य में हर जगह अकाल पड़ जाता है। सिर्फ चंदन नगर के उस तालाब को छोड़कर प्रतापगढ़ राज्य के हर गांव के तालाब और कुएं का पानी सूख जाता है और आसपास के गांव के लोग चंदन नगर के उस तालाब में हर रोज पानी भरने आते हैं। अरे यार बिरजू, तालाब को छोड़कर गांव का हर कुआं सूख गया है। अगर आसपास के गांव के लोग हर समय यहां पानी लेने आएंगे तो फिर ये तालाब भी नहीं बचेगा और हम लोग पानी के बगैर तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो यार हम क्या करें, महाराज के आदेश का तो हम उल्लंघन भी नहीं कर सकते। उल्लंघन किया तो महाराज हमें मृत्यु दंड देंगे। अरे यार हम ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब के पास जाकर सबको डराएं। सब डर जाएंगे और तालाब के पास नहीं आएंगे। अरे यार तुम तो बहुत अकलमंद हो चुके हो, तुम्हारे इस योजना को दाद देनी पड़ेगी। दूसरे दिन मदन और बिरजू भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब के पास जाकर सबको डराने लगे। कई दिनों से तुम लोगों ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। जब भी देखो पानी लेने चले आते हो, जीना हराम कर दिया है। हाँ भागो यहाँ से, नहीं तो अभी कच्चा चबा जाएंगे। सभी आदमी वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। एक दिन एक चुड़ैल पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। चुड़ैल चंदन नगर गांव में आकर रुक जाती है। अरे वाह, पूरे राज्य में अकाल पड़ चुका है लेकिन ये गांव तो बिल्कुल हरा भरा है। मुझे यहाँ पर ही अपना एक ठिकाना बनाना होगा। चुड़ैल गांव में घूमती हुई तालाब के पास आकर रुक जाती है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ, कई दिनों से तो एक बूंद पानी भी गले से नहीं उतरा। चुड़ैल तालाब में उतर कर पानी पीने लगती है। मजा आ गया, ये तो पानी नहीं अमृत है। अब से यही मेरा ठिकाना है, ये मेरा तालाब है। अगर कोई इसके आसपास भी घूमा तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल तालाब के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर तालाब के पास पानी पिलाने लाता है। चलो चलो जल्दी चलो, भगवान की बहुत कृपा जो ये तालाब नहीं सूखा, नहीं तो भगवान जाने हम लोगों का क्या होता। रमेश जैसे ही अपने भेड़ बकरियों को तालाब में पानी पिलाने जाता है, तालाब के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है। अरे कमबख्त बंदर जैसी शक्ल वाला आदमी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है। अरे मैया रे, ये गंदी शक्ल वाली चुड़ैल हम लोगों के तालाब में कहाँ से आ गई? भागो रे भैया, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। रमेश अपने भेड़ बकरियों को लेकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपना दो हाथ लंबा करके रमेश के दो बकरियों को पकड़कर खा लेती है। रमेश जैसे तैसे गांव में लौट कर आता है। अरे गांव वालों, कहां हो, जल्दी से यहां आओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारे तालाब को एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है, हम अभी क्या करेंगे? क्या कह रहे हो रमेश, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मदन और बिरजू चिंता में पड़ जाता है, ये कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर दोनों यहाँ से चले आते हैं और रास्ते में दोनों बातें करने लगते हैं। बिरजू मुझे लगता है ये सब पड़ोसी गांव वालों की चाल है, ये लोग हम लोगों की चाल हम पर ही फेंकना चाहते हैं। चलो चलकर देखते हैं वो लोग हमारा क्या बिगाड़ते हैं। मदन और बिरजू दोनों मिलकर गांव के तालाब के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं। अरे वह चुड़ैल रानी, तालाब से बाहर निकलो, तुम्हें देखने के लिए हम तो बेकरार हुए जा रहे हैं। तभी चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो तालाब के अंदर से बाहर निकलकर बोलने लगती है। अरे कौन नासपिटा है जो मेरी नींद खराब कर रहा है, मैं तो उसे अभी कच्चा चबा जाऊंगी। जैसे ही मदन और बिरजू चुड़ैल को देखते हैं थर थर कांपने लगते हैं।
अरे चुड़ैल बहन जी, मैं नहीं, ये मदन आपकी नींद खराब कर रहा था। बिरजू की बात सुनकर मदन तो हक्का पक्का रह जाता है। कुत्ते जैसा शकल वाला आदमी, मैं तुझे अभी मजा चकाती हूँ। चुड़ैल अपना हाथ लंबा करके मदन को पकड़ लेती है और उसे मारने जाती है। तभी बिरजू चिल्लाकर बोलने लगता है, अरे चुड़ैल बहन जी, हम तो आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। आप तो महान हैं और आपकी लीला अपरंपार है। आप हमें छोड़ दीजिए, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, सिर्फ आपके इस तालाब में ही पानी है। आप अगर हम लोगों पर दया करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। चुड़ैल कुछ देर तक सोचने लगती है, फिर वह कहती है, मैं एक शर्त पर तुम लोगों को तालाब से पानी लेने की अनुमति दे सकती हूँ। तुम लोग हर रोज मुझे 2 पशु भोजन के लिए दोगे। उसके बाद मदन और बिरजू वहाँ से चले जाते हैं और गांव वालों के पास चुड़ैल का ये प्रस्ताव रखते हैं। हम अगर चुड़ैल की बात नहीं मानते हैं तब भी वे हमारे पशुओं के साथ साथ हम लोगों को भी खा जाएगी। उससे अच्छा हम सभी लोग उसे 2-2 पशु दें और तालाब से पानी भर कर लाएं। सभी इस बात से सहमत होते हैं और हर दिन पानी के बदले में चुड़ैल को 2 पशु भोजन के लिए देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गांव वालों के पास और कोई पशु नहीं बचता। तभी सभी गांव वाले एकत्रित होकर बात करने लगते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे एक भी पशु नहीं बचा चुड़ैल को देने के लिए। चुड़ैल को भोजन में अगर कुछ नहीं मिला तो वे हम गांव वालों को ही पकड़ पकड़ कर खा लेगी। चुड़ैल से बचने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। अगर हम तांत्रिक बाबा के पास जाए तो वो इसका कोई हल निकाल सकते हैं। सभी गांव वाले रमेश की बात से सहमत होते हैं और तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। ओम फट स्वा, ओम क्रीम चमंडाय नमः, ओम क्रीम चमंडाय नमः। नमस्कार तांत्रिक बाबा, हम घोर संकट में हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो सिर्फ गांव रह जाएगा और एक भी इंसान नहीं बचेगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे काबू जरूर कर सकता हूँ। चुड़ैल की असली कमजोरी है उसका बाल। अगर तुम में से कोई उसके बाल काट कर लाए तो वह उसकी गुलाम बन जाएगी। सभी गांव वाले ये बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती उस चुड़ैल का सामना करने की। तभी तांत्रिक को बिरजू बोलता है, तांत्रिक बाबा, हम में से कोई उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वह जिसको पाती है उसे कच्चा चबा जाती है। देखो मैं सब जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक भभूति दूंगा। जो तुम में से कोई उस चुड़ैल के मुंह पर मारेगा और कोई चुड़ैल का बाल काटेगा। अगर तुम में से कोई राजी नहीं होता तो जाओ चुड़ैल का भोजन बन जाओ। तभी रमेश और मदन चुड़ैल का सामना करने के लिए राजी हो जाता है और रमेश तांत्रिक के पास से भभूति लेकर गांव लौट आता है। देखो मदन, मैं चुड़ैल के मुंह पर भभूति मारूंगा, चुड़ैल दर्द से तड़प रही होगी, उसी समय तुम उसका बाल काट लेना। रमेश और मदन तालाब के पास आकर चुड़ैल को बुलाने लगते हैं और गांव वाले पेड़ों के पीछे से छुपकर देखने लगते हैं। अरे वे चुड़ैल बाहर निकल, तूने हम लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज मैं तेरा खात्मा करने आया हूँ, जल्दी बाहर निकल। कौन है जो मुझे ललकार रहा है? अभी तेरी चटनी बनाती हूँ, रुक। ये कहकर चुड़ैल तालाब के ऊपर आती है। अरे रमेश, तू फिर से मरने आ गया मेरे पास। जैसे ही चुड़ैल रमेश के पास आती है, रमेश भभूति निकाल कर चुड़ैल के मुंह पे फेंक देता है। बचाओ, मर गई रे दैया, रे दैया। तभी मदन आकर उसकी चोटियां काट लेता है और दोनों तांत्रिक बाबा के पास आ जाते हैं। अरे रमेश और मदन, तुम लोग आ गए। तुम दोनों ने गांव के लिए बहुत बड़ा काम किया है, अब 2 चोटी मुझे, मैं उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक चोटी को पकड़कर चुड़ैल को बुलाने लगता है। चुड़ैल, तू जहाँ भी है अभी आ मेरे पास, नहीं तो मैं तेरी चोटी अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। चुड़ैल तांत्रिक के पास आकर गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए तांत्रिक बाबा, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, तूने इतने दिनों तक गांव वालों को बहुत परेशान किया है,
उनके सारे पशुओं को तूने खा लिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? पहले उसकी भरपाई कर, फिर यहाँ से जाने की बात कर। मुझे माफ कर दीजिए सारे गाँव वासियों, मैंने आप लोगों का बहुत नुकसान कर दिया। मैं आप लोगों को पशु तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसे देकर उसकी भरपाई करूंगी। तभी चुड़ैल जादू से सोने के मोहर से भरा एक घड़ा लाकर गाँव वासियों को देकर वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद से चुड़ैल कभी भी चंदन नगर गाँव में नहीं आती और गाँव वाले खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं।